वेलकम hey टू YouTube यूट्यूब चैनल the ट्रैवल Today we आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक टूल्स ऑफ Illustrator. हमने यहाँ पे Illustrator खोल लिया है इसकी स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखती है सबसे पहले हम फाइल्स में जाएंगे ऊपर लेफ्ट कोनर हमारा ड्रॉपडाउन एक मेन्यू आएगा उसमें लिखा होगा न्यू हम उस पे न्यू पर क्लिक करेंगे फिर हमें यहाँ पर एक आर्ट क्रिएट करना है ठीक है यहाँ पर हमारे पास वर्थ है हम विक्ट करेंगे हाइट सिलेक्ट करेंगे कितनी हमने रखनी है वो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं मैंने रखा है एट हंड्रेड एट हंड्रेड यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास कितने आर्ट बोर्ड हमें चाहिए हमने वन सेलेक्ट किया है फिर आप देखेंगे यहाँ पर है ड्रॉप डाउन आएगा मिलीमीटर है पिक्सेल्स है और इंचेस है सेंटीमीटर है पॉइंट्स है हम यहाँ पे पिक्सेल्स को सिलेक्ट करेंगे फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कलर मोड है सी एम वाई के कलर्स आते हैं इसमें और आर जी बी कलर्स हैं हम इसमें सी एम वाई के कलर्स सेलेक्ट कर लेंगे फिर हम कर लेंगे क्रिएट तो हमारा जो है आर्ट जो है वो हमारा क्रिएट हो जाएगा अब हमारे आता है ये टूल बार यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे हमारे ये टूल बार है सबसे पहले हमारे पास एक, एक एरोसा है वो है सिलेक्शन टूल है <coughs> फिर साथ ही हमारे पास एक और एरो है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या ग्रुप सिलेक्शन टेक्स उस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आगे से दो ऑप्शन आएंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या ग्रुप सिलेक्शन टूल हम इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं फिर हमारे पास आ जाता है ये पेन टूल है पेन टूल में हम क्लिक करके पॉइंट को हम मतलब कहीं भी ड्रैग करेंगे वहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे पॉइंट्स बनते रहेंगे मतलब इस तरह से हम कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर ट्राई एंगल क्रिएट किया अपने पेन टूल की मदद से फिर हम इसको सेलेक्ट करके हम इसमें कलर्स ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक पूरी शेप बन चुकी है ठीक है हम इसमें मैंने इसमें मतलब आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं मैंने इसमें रेड कलर सेलेक्ट कर लिया है पूरा मेन्यू था इसमें सब कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें फिर हम पेन पेन टूल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे हमारे पास एक मेन्यू आ जाएगा जिसमें आएगा पेन टूल है पेन टूल है ऐड एंकर पॉइंट टूल है डिलीट एंकर पॉइंट टूल है एंकर पॉइंट टूल है हर एक टूल का अपना अपना फ़ीचर है जो कि हम मैं आपको दिखाती हूँ ऐड एंकर पॉइंट टूल जो है इसमें हम अपने शेप पे कहीं भी हम एक कोई भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं कहीं भी हम, मतलब उसको हम बाद में ड्रैग कर सकते हैं उसको डिलीट कर सकते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं एंकर पॉइंट हमने पॉइंट ऐड किया है अब डिलीट एंकर पॉइंट से हम कोई भी पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं मतलब कोई भी हो देखें जैसे मैंने इसको यहाँ पर एक पॉइंट को डिलीट कर दिया है जो एंकर पॉइंट टूल है ये मैं आपको बताती हूँ आगे जाके क्या चीज़ है फिर हमारे पास आ जाता है कर्वेचर टूल इसमें हम जो है किसी भी हम अपने मतलब जो हमारी आर्क मतलब लाइन है उसको हम पॉइंट को उसको लेके ड्रैग कर सकते हैं मतलब ऐसे हमारा राउंड शेप जैसा आप देखें यहाँ पे बन जाएगा अब हमारे पास एंकर पॉइंट जो है एंकर पॉइंट को हम किसी भी जगह पर रख के क्लिक करें उस पॉइंट को एक शार्प टूल बना शार्प पॉइंट दे देती है एज़ यू कैन सी मैंने यहाँ पर एक पॉइंट को क्लिक किया उसने वहाँ से हमारा शार्प पॉइंट बना दिया इस तरह से ये देखें फिर हमारे पास आ जाता है टैक्स टूल हम उसको टैक्स को कहीं कहीं भी रख के हम अपना कुछ भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो फिर हम उसको अपने टैक्स को सेलेक्ट करके ऊपर आप देख सकते हैं हम वहाँ से इसका पॉइंट्स जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं मतलब हम इसको बड़ा कर सकते हैं टेक्स्ट को छोटा कर सकते हैं टेक्स्ट को फिर हम उसके साथ अपना सेलेक्ट कर सकते हैं हमने कौन सा फ़ॉन्ट लेना है हमारे पास फॉन्ट्स जो होते हैं ये देखें ड्रॉप डाउन इस तरह से आ जाएगा इसमें से आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे फिर हमारे पास आ जाता है शेप टूल शेप टूल पे आप राइट क्लिक करेंगे हमारे पास मल्टीपल शेप्स आ जाएंगी जैसे हमारे पास रिक्टेंगल टूल है राउंड रिक्टेंगल टूल है एलिप्स टूल है पॉलीगन टूल है स्टार टूल है इस तरह से मतलब हम इन सबको क्लिक कर मतलब इन सबको सेलेक्ट करके हम कोई भी शेप बना सकते हैं मैं अभी आपको शेप्स बना के दिखाती हूँ देखिए सबसे पहले हम जो है बनाएंगे रेक्टेंगल हमने रेक्टेंगल बनाया है फिर उसके बाद राउंडेड रेक्टेंगल है इसमें हमारे जो रेक्टेंगल के एजेस होते हैं वो राउंड होते हैं हम यहाँ पॉइंट पे क्लिक करके हम जितना मर्जी राउंड चाहे हम कर सकते हैं अपने रेक्टेंगल को फिर हमारे पास आ जाता है एलिप्स uh, टूल इसमें हम मतलब कोई कैसा भी सर्कल फिर हमारे पास आ जाता है पॉलीगॉन टूल पॉलीगन टूल शेप इसमें हम अपने पॉलीगोन को जितनी मर्जी ऊपर uh, से हम देखें एडजस्ट कर सकते हैं हम इसकी एडजस्ट हम कितनी भी रख सकते हैं जितनी हमारे दिल करे हम उतना एडजस्ट रख सकते हैं इसको देख सकते हैं आप फाइव सिक्स फोर थ्री जितना मर्जी चाहें आप इसको रख सकते हैं फिर हमारे पास आ जाता है स्टार टूल स्टार टूल में हम इसको मतलब बना सकते हैं स्टार को फिर हमारे पास आ जाता है लाइन टूल इस टूल की मदद से हम क्लिक करके कहीं भी ड्रा करके हम अपनी कोई भी लाइन क्रिएट कर सकते हैं लाइन क्रिएट कर सकते हैं उसको हम अपना कलर दे सकते हैं स्टॉक दे सकते हैं स्टॉक दे सकते हैं मतलब स्टॉक हम ऊपर से एडजस्ट कर सकते हैं वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट जितना आप करेंगे वो देखें हमारा स्टॉक जो है वो लाइन का इंक्रीज़ होता जा रहा है उसको हम कलर दे सकते हैं कुछ भी हम सब कर सकते हैं इसमें हमारे पास राइट क्लिक करेंगे लाइन पे हमारे पास आ जाता है आर्क टूल आ जाता है स्पाइरल टूल आ जाता है रेक्टेंगल ग्रिड टूल आ जाता है पोलर ग्रिड टूल आ सकता है इन स, इन सब टूल्स की मदद से हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्रश टूल ब्रश टूल को क्रिएट ब्रश टूल को सेलेक्ट करके हम बहुत सी मतलब कुछ भी कर सकते हैं हम कोई भी शेप अपनी इरेगुलर uh, शेप्स कुछ भी बना सकते हैं हमारा जो दिल कर सकते हैं हम इस ब्रश टूल की हेल्प से बना सकते हैं और इसकी एडजस्टमेंट भी हम ऊपर से कर सकते हैं हमने इसको कितने पॉइंट का रखना है हमने इसको मतलब किस तरह की शेप देनी है लाइन को अपने ब्रश टॉक को हमने किस तरह की शेप देनी है फिर हमारे पास आता है इरेजर टूल इरेजर टूल से हम किसी भी मतलब चीज़ को हम ऐसे कुछ भी हम इरेज़ कर सकते हैं इसको हम जैसे अब हमने इरेज़ किया है तो ये हमारे पास जो है ये टू पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया हमारी शेप यू कैन सी दैट हम इसको कहीं भी अलग कर सकते हैं मतलब कहीं भी ड्रा कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं फिर हमारे पास आ जाता है रोटेशन टू रोटेशन टू के हेल्प से हम किसी भी चीज़ को रोटेट कर सकते हैं किसी भी शेप को रोटेट कर सकते हैं कुछ भी कर मतलब इस तरह से हम रोटेशन किसी भी एंगल के थ्रू हम किसी भी एंगल में हम इसको रोटेट कर सकते हैं फिर हमारे पास आ जाता है आई ड्रॉपर आई ड्रॉपर टूल जो होता है इससे हम किसी भी शेप के हम जो है कलर को अडॉप्ट कर सकते हैं कोई भी किसी कहीं से भी आप कोई कलर ले लें कुछ भी पिक्चर में कोई कलर हो हम आई ड्रॉपर के थ्रू हम उस कलर को ले अडॉप्ट कर सकते हैं एक शेप के अंदर ठीक है जैसे हम हमने एक शेप पे क्लिक किया आई ड्रॉपर सेलेक्ट किया आई ड्रॉपर को हमने जो कलर हमने करना है वहाँ जाके उस पर क्लिक किया उस शेप का वही कलर हो जाएगा जो वहाँ पर आपने आई ड्रॉपर को मतलब क्लिक किया होता है आई ड्रॉपर को ले जाके फिर हमारे आर्ट बोर्ड टूल आ जाता है आर्ट बोर्ड टूल की हेल्प से हम अपने आर्ट बोर्ड को आर्ट बोर्ड के साइज़ को कम कर सकते हैं ज़्यादा कर सकते हैं मतलब जिस तरह से आप चाहें आप अपने इस आर्ट बोर्ड टूल की हेल्प से कर सकते हैं फिर हमारे पास आ जाता है, है हैंड टूल हैंड टूल की हेल्प से हम अपने आर्ट बोर्ड को कहीं भी ले जा सकते हैं मतलब अप राइट लेफ्ट अप डाउन कहीं भी हम अपने आर्ट बोर्ड को मूव कर सकते हैं फिर हमारे पास आ जाता है ज़ूम टूल ज़ूम टूल के हेल्प से हम आ, कहीं भी रख के हम उसको क्लिक करेंगे तो वो चीज़ हमारी ज़ूम हो जाएगी अच्छा इसका जूम करने का हमारे पास एक और कीवर्ड्स हैं वो है कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस करेंगे तो आप जहाँ भी आपने क्लिक किया हुआ होगा जिस शेप को भी वो ज़ूम हो जाएगी और अगर हम इसको कंट्रोल माइनस को हम करेंगे क्लिक अपने कीबोर्ड के ऊपर तो हमारे पास वो है जूम आउट हो जाएगा ठीक है फिर हम हम जो हैं अपनी मतलब यहाँ कलर हमारे पास दो किस्म के होते हैं एक सॉलिड कलर एक होता है ग्रेडियंट कलर ठीक है अब जो है सॉलिड कलर मैं आपको बता चुकी हूँ जैसे ये रेड कलर है सॉलिड कलर सिंगल कलर है पूरी एक शेप के अंदर फिर हमारे पास आ जाता है ग्रेडियंट टूल ग्रेडियंट में होता है हम इसको डिफरेंट कलर्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं मतलब जैसे भी आप देख सकते हैं मैं आपको करके दिखाती हूँ ये यहाँ पर जैसे मैंने ग्रेडियंट अपने शेप को मतलब ग्रेडियंट कलर दिया है हम इसमें से मतलब इसमें सिर्फ दो कलर मैंने ऐड किया लेकिन हम इसमें मल्टीपल कलर्स भी ऐड कर सकते हैं थ्री फोर फाइव कुछ भी ये देखें दो कलर को हमने सेलेक्ट करके ग्रेडियंट क्रिएट किया है इस तरह से हम ग्रेडियंट बना मतलब अपनी शेप को ग्रेडियंट कलर देते हैं फिर हमारे पास आ जाता है स्टॉक स्ट्रॉक कलर हम अपनी शेप को मतलब आई ड्रॉपर के थ्रू आपने देखा मैंने जैसे ग्रेडियंट अपने शेप को वही कलर हमने आई ड्रॉपर के थ्रू दे दिया है सेम टू सेम शेप के कलर को हम ख़त्म भी कर सकते हैं मतलब नन कलर दे दें उसको नन मतलब कोई कलर नहीं है फिर हम अपने उसको स्ट्रॉक दे सकते हैं मतलब खाली स्ट्रॉक शेप को खाली स्ट्रॉक आई है इस शे, शेप के पास हम चाहें तो अपनी शेप का स्ट्रॉक भी ख़त्म कर सकते हैं उस पर मतलब शेप स्ट्रॉक को सिलेक्ट करके तो हम यहाँ पर नन को सिलेक्ट कर लें क्या आज के लिए इतना ही फिर बाकी हम जो है इलस्ट्रेटर वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे